हाय गाइस, फिर से स्वागत है एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन के एक न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को मैं यहां पे एक ऐसे ट्रिक अप्लाई करने को बताऊंगा ना, जिससे आपका फोन का लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। बेसिकली मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि आपका फोन कोई भी कंपनी का हो, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, मेरा यहां पे देख लीजिए वीवो, यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा वीवो है। एंड मैं आप लोगों को यहां पे और कंफर्म कर दूं, आपका वीवो हो या रेडमी हो, कोई भी कंपनी का हो, आपको यहां पे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप इस ट्रिक को अप्लाई करके आप अपने यहां पे देख लीजिए, आपका जो ये दिख रहा है ना इंटरफेस, ये टोटली आपका चेंज हो जाएगा। बेसिकली मैं कंफर्म कर दूं कि आप इसको डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हो, जैसे कि आपने इसे प्रेस किया तो आपका यहां पे कट जाता है। तो आपको मैं यहां पे एक तरीका बताऊंगा जिससे आप बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। एंड बाय डिफॉल्ट सेट करने का मतलब ये हुआ, आप कितना भी इसे काटते रहोगे ना, मतलब कि जैसे यहां पे आप कितना भी काटते रहोगे, आपका वो ट्रिक जो है ना यहां पे डिसेबल नहीं होगा। तो चलिए आपको यहां पे बता देते हैं। एंड आपको एक और बात बता दूं, आपको जिस एप्लीकेशन के थ्रू मैं यहां पे सब कुछ बताने वाला हूं ना, उसका लिंक आपको वीडियो में कभी भी मैं बता सकता हूं कि कहां से आपको उसको डाउनलोड करना है। तो कृपया करके आप वीडियो स्किप मत करना। तो चलिए आप लोगों को मैं यहां पे कंफर्म कर देता हूं। बेसिकली आपको यहां पे अलग अलग तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये ग्रीन में है, आप इसे रेड में चाहते हो या ब्लू में चाहते हो, वो भी आपको देखने को मिलेगा। एंड जैसे आप इसे इनेबल करोगे ना, तो यहां पे आपको अलाउ परमिशन देना पड़ेगा। एंड यहां पे देख लीजिए आपका ये रोटेट होता रहता है, जैसे कि देख लीजिए रोटेट हो ही रहा है, जैसे आपने देखा होगा ना बेन 10 में रोटेट हो रहता है, सेम इसी तरह ये भी रोटेट हो रहा है। एंड यहां पे आपको अलग अलग फोल्डर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैं इसमें क्लिक करता हूं ना, तो यहां पे सारे म्यूजिक का कैटेगरी आ गया, यहां पे मैं जैसे क्लिक करता हूं ना, तो यहां पे देख लीजिए एंटरटेनमेंट का आ चुका है, या यहां पे क्लिक करूंगा तो यहां पे देख लीजिए फाइनेंस का आ चुका है, जैसे बैंकिंग के रिलेटेड जितने भी यहां पे एप्लीकेशन रहता है। एंड आप अगर ऐड करना चाहो तो आप भी यहां पे ऐड भी कर सकते हो, एज लाइक जैसे यहां पे प्लस बटन आ गया, इस पे आप क्लिक करके एंड यहां पे एप्लीकेशन आप ऐड कर सकते हो। तो आपको कोई भी आपका अगर बैंकिंग हो वो आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मेरा बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी एक बैंकिंग ही है, तो मैं यहां पे मैं ऐड कर सकता हूं। एंड यहां पे अपडेट फोल्डर देख लीजिए, यहां पे अपडेट हो गया। तो फ्रेंड्स, अब रह गया कि इसे यहां पे क्या-क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे तो फर्स्ट इंटरफेस आपका यहां पे देख लिया, यहां पे लुक इसका। एंड सेकंड का बात करें, यहां पे एक म्यूजिक की कैटेगरी आ जाता है, जो म्यूजिक यहां पे रोटेट होता रहता है, यहां पे देख लीजिए अभी भी रोटेट हो ही रहा है। एंड यहां से आप प्ले करोगे आपका म्यूजिक प्ले हो जाएगा, एंड जितने भी आपके अगर कॉल रिकॉर्डिंग है तो वो भी प्ले हो जाएगा। एंड बेसिकली इधर एक और स्क्रॉल करोगे तो यहां पे देख लीजिए आपका टेंपरेचर, वेदर, वो सब आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। आप यहां से रिफ्रेश भी कर सकते हो, एंड रिफ्रेश करने का बहुत ही इजी यहां पे सिस्टम दे रखा है। एंड बाकी बात करें, अगर दोबारा आप होम बटन में जाना चाहते हो, तो यहां पे देख लीजिए एक होम का सेक्शन यहां पे मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करते ही होम बटन पे आ गए। या आपको और एप्लीकेशन, आपके फोन में जितनी एप्लीकेशन है उनको आप ओपन करना चाहते हो, तो यहां पे देख लीजिए इस पे क्लिक करते ही ये सारी की सारी एप्लीकेशन आपको ओपन हो चुका है। बेसिकली यहां पे एक ऐड आपको देखने को मिलेगा, जो बंपर ऐड होता है, मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं, बेसिकली ये पेड एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। अगर आपको ये ऐड नहीं चाहिए तो आप पैसा दे सकते हो, लेकिन आप अगर फ्री में यूज कर रहे हो तो यार कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को पहले कंफर्म करता हूं। अब इसका रह गया कि यहां पे हम इस एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अप्लाई करने का मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, दो कलर आपको देखने को मिलेगा या तीन कलर मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखा, अब मैं आपको ग्रीन कलर में हल्का येलो टाइप में दिखाता हूं, जैसे कि यहां पे एक ये सेकंड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ओपन करोगे ना, जिस पे क्लिक करोगे ना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहां पे देख लीजिए LW ऐप का यहां पे ऑप्शंस मिल जाएगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते नहीं, यहां पे देख लीजिए भाई इसका लुक तो काफी अलग है। एंड कोई भी बंदा देखेगा ना, डेफिनेटली आपसे पूछेगा भाई कि ये तूने कैसे किया यार। अगर आपसे कोई भी पूछता है ना, तो यार इस वीडियो को कंफर्म शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना कोई भी बंदा 100% इस ट्रिक को अप्लाई करना चाहेगा। अब देख लीजिए यहां पे कितना सारा आपको देखने को यहां पे कुछ मिल जाता है। एंड यहां पे आपको फर्स्ट इंटरफेस यही आपको देखने को मिलेगा, प्लस यहां पे म्यूजिक कैटेगरी आपको मिलेगा, प्लस यहां पे वेदर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अप्लाई करना है इसका बहुत ही इजी है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब रह गया कि यहां पे आप देख लीजिए, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो यहां पे अलग अलग आपको मैं बताता हूं, जैसे ये रोटेट हो रहा है ना, रोटेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहां पे थीम्स कलर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। आप अगर कलर चेंज करना चाहो, जैसे मैं ग्रीन लेता हूं, ग्रीन पे यहां पे सॉरी रेड पे क्लिक किया, रेड मैंने लिया, एंड रेड पे लेने के बाद यहां पे कैंसिल किया, तो आप देख लीजिए रेड भाई यहां पे अमेजिंग है, बिल्कुल काफी यहां पे अट्रैक्टिव दिख रहा है। एंड दोबारा इस पे क्लिक करेंगे, एंड यहां पे थीम्स पे जाएंगे, यहां पे जैसे स्टार्टिंग में बोला था ब्लू कलर, ब्लू पे आपको टैप करना है, सिंपल से एक यहां पे कलर चॉइस करना है, एंड कलर चॉइस करते ही आपका जो है ना अपडेट हो गया। वाओ यार, काफी यहां पे आप देख सकते हो कितना इसका लुक ही चेंज हो गया। अब यहां पे दोबारा प्रेस करना है, वॉलपेपर अगर आप चेंज करना चाहो तो यहां पे आप वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हो, ये सब फ्री में देखने को मिलेगा। बेसिकली यहां पे आप लोग देख लीजिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। एंड एक और बात बता दूं, यहां पे आप गैलरी से अपना फोटो भी यहां पे लगा सकते हो,
बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपना फोटो लगाओ, क्योंकि अगर फोटो लगाते हो ना तो उसका लुक खराब हो जाएगा। आइकन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आइकन अगर आप अपने सिस्टम का रखना चाहो या नहीं तो डिफॉल्ट इसी का रहने दीजिए। एंड उसके बाद इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, एज लाइक जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो साथ में ही। तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके हो इसे कैसे यूज करना। अब रह गया कि इस एप्लीकेशन को हम कहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाने के बाद ये देख लीजिए आपका यहां पे इस तरह का नाम देखने को मिलेगा। बेसिकली इसके कंसोल पे क्लिक करना है, कंसोल पे क्लिक करने के बाद इसका जितनी भी एप्लीकेशन रहेगा ना यार यहां पे सारा का सारा ओपन हो चुका है। आप लोग यहां पे खुद देख सकते हो नीचे में यहां पे एक्यूरेट ए टू जेड आपको देखने को मिलेगा, सारी एप्लीकेशन यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग समझ चुके हो कि कहां से इंस्टॉल करना है, तो आप लोग वीडियो के कमेंट में जाके यार अपना पंक्तियां मत चालू कर देना, आप लोग को ए टू जेड एक्यूरेट मैंने सब कुछ समझा दिया है। एंड आपको इसका लिंक कमेंट बॉक्स में, आपको नीचे कमेंट में फर्स्ट कमेंट पिन हुआ मिल जाएगा, आप लिंक के थ्रू भी आ सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए यार, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, एंड चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे ना तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।